हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। तो बहुत दिनों के बाद फिर से 10वीं और 12वीं के लिए एक बड़ी खबर आई है। क्या है खबर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र व ब्लूप्रिंट फिर से होंगे तैयार, विद्यार्थी हो रहे परेशान। फिर से तैयार होंगे पेपर भी और ब्लूप्रिंट भी, और अभी तक की बच्चों की जो मेहनत है उस पर पानी फिरता फिर से दिख रहा है। शासन ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए पैटर्न पर जारी ब्लूप्रिंट को निरस्त कर दिया था। ये आप खबर यहाँ देख ही रहे हैं। अब मंडल पुराने पैटर्न पर नया ब्लूप्रिंट जारी करेगा। इससे मंडल की 6 माह की बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेकार चली गई। पुराने पैटर्न पर अब मंडल को ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। इसके लिए मंडल ने हाल ही में प्रश्न पत्र निर्माण समिति की बैठक लेकर दिशा निर्देश दे दिए हैं। फिर से सोमवार को ब्लूप्रिंट को लेकर बैठक होगी। इसके बाद मंडल की वेबसाइट पर ब्लूप्रिंट अपलोड किए जाएंगे। मंडल द्वारा अब सिलेबस में की गई कटौती के आधार पर अंकों का विभाजन कर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। यानी कि जो बच्चे बार बार ये पूछ रहे थे कि सर जो पाठ हटा दिए गए क्या उनमें से आएगा क्या, अब तो नहीं आएगा। जो बच्चे हैं पाठ आपके सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद उन्हीं में से पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें 60% प्रश्न पत्र तैयार कर लिए गए थे, यानी कि पुराने आधार पर 60% तो तैयार कर लिए थे, अब फिर से प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे। मंडल के अधिकारी तेजी से फिर से परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। 10वीं की 30 अप्रैल से और 12वीं की 1 मई से परीक्षा होना प्रस्तावित है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, नए पैटर्न पर परीक्षा कराने के नियम को शासन ने निरस्त कर दिया है। अब फिर से परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है, ठीक है। तो आपके प्रश्न पत्र और ब्लूप्रिंट फिर से तैयार होंगे, जैसे ही आएंगे हम आपको सूचित करेंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।